नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों आज का जो अपन टॉपिक चर्चा करेंगे वो टॉपिक छोटा सा ही है, लेकिन उस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्या है प्रश्न आ रहे हैं। तो आज अपन यहाँ पर बात करेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की क्या करेंगे अपन आज चर्चा करेंगे। पब्लिक लाइब्रेरी की आज क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। दोस्तों ऐसा 2015 के बाद में यूँ समझो जो भी लाइब्रेरी साइंस के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया हो। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है वो काफ़ी आसान प्रश्न पूछा जाता है, तो उन सब की अपन क्या करेंगे चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे दोस्तों ये इसका स्थान, सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगे इसका स्थान। स्थान की बात करें दोस्तों तो ये पटना बिहार में स्थित है। ये पटना बिहार में क्या है भाई, स्थित है। एग्जाम में दोस्तों जो अब तक जो प्रश्न आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा ये पटना बिहार में स्थित है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना कब की गई और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था। तो अपन सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई वो की गई 29 अक्टूबर 1891 में, 1891 में इसकी क्या की गई स्थापना की गई, यानी 1991 में इसकी 1891 में इसकी क्या की गई स्थापना की गई। स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था यानी इसका संस्थापक कौन था, तो उसकी भी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। इसका जो संस्थापक की अगर बात करें दोस्तों तो इसका संस्थापक जो था वो था खान बहादुर खुदाबख्श नाम का एक व्यक्ति था। व्यक्ति क्या यूँ समझो कि ये न्यायाधीश थे, निजाम जो उस समय जो एक रियासत हुआ करती थी उस रियासत में ये क्या हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी न्याय का काम करते थे। और बीमारी से काफ़ी परेशान रहे, मतलब ऐसा इनका विकिपीडिया भी बताएगा और बहुत सारी किताबें हैं वो भी आपको बताएंगे। यानी पटना बिहार में स्थापित करते हैं, 29 अक्टूबर 1891 को बनाते हैं। संस्थापक जो है वो खान बहादुर खुदाबख्श इसके क्या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें अपने को इसके छोटे छोटे प्रश्न जो एग्जाम में आए हैं, तो आप ही समझ लो ये सारे जो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ वो सारे के एक सारे एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं। यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कि इसको राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय कब घोषित किया गया, तो वो भी आपको याद रखना है। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसकी भी आप याद रखिएगा। ये इसको घोषित किया गया था, ये था 26 दिसंबर सन 1869 को, सॉरी 1969 को, 26 दिसंबर 1969 को इसको क्या कर दिया गया था, इसको राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित किया गया था। दोस्तों अगर अब यहाँ से बात करें तो ये इसका इम्पोर्टेंट नंबर बन गया 4। और बात करें यहाँ पर तो आप यू समझो कि ये जो खान बहादुर खुदाबख्श थे इनको सबसे पहली बार पांडुलिपियां या पुस्तकें किसके द्वारा प्रदान की गई, तो आप याद रखिएगा इनके पिताजी थे, इनके पिता का नाम था मौलवी मोहम्मद, और मौलवी मोहम्मद के द्वारा इनको उस समय लगभग 1400 पांडुलिपियां इनको क्या दी गई थी, इनको भेंट की गई थी। और ये 1400 पांडुलिपियों से शुरू होने वाला क्या था, एक पुस्तकालय था। यानी आप ही समझो 1400 पांडुलिपियों से शुरू होने वाला लाइब्रेरी था। और बात करें दोस्तों इसको भी, तो आप ही समझ लो इसे इसे खुदाबख्श पांडुलिपि पुस्तकालय या अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ से और नाम बन जाएगा, वो बन जाएगा नेशनल
नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के नाम से भी इसे क्या किया जाता है भाई, इसे जाना जाता है यानी नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी कौन सी लाइब्रेरी है, यही लाइब्रेरी है यानी खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी या मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये सारे नाम किसके हैं भाई, इसी के क्या हैं, सारे इसके नाम हैं। यानी अगर बात करें दोस्तों तो खान बहादुर खुदाबक्स के द्वारा इसे लगभग यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, ये 1400 की बजाय ये 4000 पांडुलिपियां, यानी इनको 4000 पांडुलिपियां किसके द्वारा दी गई थी, 4000 पांडुलिपियां इनके पिता मौलवी मोहम्मद के द्वारा इनको क्या की गई थी, मौलवी मोहम्मद बख्श इनका पूरा नाम था, तो मौलवी मोहम्मद बख्श के द्वारा इनको क्या की गई थी भाई, प्रदान की गई थी यानी उपहार स्वरूप दी गई थी। शुरुआती चरणों में अगर बात करें दोस्तों तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि 1400 से लेकर 4000 तक का जिक्र कई जगह आएगा, ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा क्या रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों इसमें वर्तमान में इसका संग्रह यानी वर्तमान में कितनी पांडुलिपियों का इसमें संग्रह है, तो वो भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 21,136 पांडुलिपियां, 21,136 पांडुलिपियां वर्तमान में इस पुस्तकालय में क्या की गई हैं, संग्रहित की गई हैं। किस पुस्तकालय में, तो आप याद रखिएगा खान बहादुर खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से स्थापित किया गया पुस्तकालय खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में क्या की गई है, संग्रहित की गई है, जिसका संस्थापक कौन था भाई, खान बहादुर खुदाबक्स था। साथ ही दोस्तों अगर बात करें इसमें तो आप ही समझो कि इसमें वर्तमान में लगभग अगर बात करें तो इसमें संग्रहों की अगर बात करें तो यूं समझ लो कि इसके अंदर लगभग 5 लाख से अधिक, लगभग इसमें 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक क्या है इसके अंदर संग्रहित पत्र पत्रिकाएं या पांडुलिपियों सहित इसका कुल क्या है भाई, इसका इस पुस्तकालय का कुल संग्रह है। बात करेंगे दोस्तों इस संग्रह में देखो तो पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ध्वनि संगीत, रिकॉर्ड्स है या उसके पेटेंट है, डेटाबेस है, मैप्स है, ये सारे क्या है भाई इसके अंदर वर्तमान में संग्रहित हैं। जिसको देखो क्या किया गया, जिसको एक अधिनियम के तहत यानी यहां भी अगर बात करें दोस्तों तो अपन याद रखेंगे भारत सरकार का अधिनियम है, और भारत सरकार के अधिनियम में बात करें तो आप याद रखिएगा यहां से प्रश्न बन सकता है, खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सन 1969 के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय इसे क्या किया गया है, इसे घोषित किया गया है। साथ ही बात करें दोस्तों इसमें रख रखाव या इसको वित्तीय सहायता, इसको जो वित्तीय सहायता या वित्तीय पोषण या आप यूँ समझ लो इसमें रख रखाव हेतु जो भी इसमें रख रखाव हेतु इसमें जो भी खर्चा या जो भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे के सारे इसे क्या दिए जाते हैं भाई, भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी इसमें रख रखाव या वित्तीय पोषण जो भी है, सहायता जो है वो भारत सरकार के द्वारा इसे क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। आज ये दुनिया भर यानी यूँ समझो कि विश्व में जो भी पुस्तकालय विज्ञान के जो विद्वान है उनके लिए क्या है, आकर्षण का केंद्र है। बात करेंगे देखो इसमें भी यहाँ पर एक छोटा सा विवरण शामिल करेंगे, यानी इसके जो निर्देशक की बात करें दोस्तों तो सन 1969 में जब इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था, तब सन 1972 में अगर बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम पाएंगे आप, रेजा बेदार नाम के व्यक्ति थे, आबिद रेजा बेदार नाम के एक व्यक्ति थे, और ये व्यक्ति इस समय क्या थे, इसके निर्देशक थे, और यूं समझ लो कि इनके समय में इस पुस्तकालय ने सर्वाधिक क्या की है, उन्नति की है। अगर बात करें दोस्तों इस निर्देशक पद पे वर्तमान में कौन है, तो उनका भी अपन यहाँ जिक्र कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है सन 1972 के 72 में निर्देशक पद पर कौन थे, और अगर बात करें वर्तमान में अगर बात करें इस पद पर कौन कार्य कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर वर्तमान का जिक्र अपन लेंगे तो आप याद रखिएगा
अप्रैल सन 2019 से, अप्रैल सन 2019 से इस पद पर, नाम याद रखना आपको, साइस्ता यानी साइस्ता बेदार नामक व्यक्ति, साइस्ता बेदार नामक व्यक्ति जो है वो इस पद पर क्या है, नियुक्त है। और यूं समझ लो कि सार्वभौमिक प्रसारण के लिए संग्रह को कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में यह क्या है, यूं समझ लो कंप्यूटर करने की दिशा में यह है पहला लाइब्रेरी, यानी ऐसा पहला पुस्तकालय है जो पांडुलिपियों के संग्रह को क्या देता है, विशिष्ट महत्व प्रदान करता है। और वर्तमान में क्या है, कंप्यूटरीकृत प्रणाली को लागू करने का क्या कर रहा है, प्रयास करने वाला भारत का पहला पांडुलिपि पुस्तकालय है। साथ ही दोस्तों यहाँ से बात करेंगे, यहाँ के पुस्तकालय संग्रह में कौन कौन सी पांडुलिपियां संग्रहित हैं, तो आप याद रखिएगा, एक तो तैमूरनामा, एक तो क्या भाई, तैमूरनामा। तैमूरनामा जो आप याद रखेंगे खानदान तैमूरिया ऐसे नाम से, साथ ही शाहनामा, शाहनामा। साथ ही अगर बात करें दोस्तों शाहनामा के अलावा और, तो आप याद रखेंगे पद्म शाहनामा, पद्म शाहनामा, पद्म शाहनामा। और बात करें दोस्तों तो दीवान ए हाफिज, दीवान ए हाफिज। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो राजकुमार उस समय हुआ करते थे, राजकुमारों के ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। और बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अपने भारत में महाराजा रणजीत सिंह थे, तो आपको याद रखना है महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह की मिलिट्री अकाउंट की किताबें, यानी महाराजा रणजीत सिंह की जो मिलिट्री की जो किताबें थी, मिलिट्री अकाउंट्स की, महाराजा रणजीत सिंह की मिलिट्री मिलिट्री अकाउंट की किताबें, मिलिट्री अकाउंट्स की जो किताबें थी उन सब का संग्रह जो है, मिलिट्री अकाउंट्स की जो किताबें थी, मिलिट्री अकाउंट्स की पुस्तक या किताबें जो थी उन सब का संग्रह जो है वो वर्तमान में क्या है भाई, इस पुस्तकालय में संग्रहित किया गया है। साथ ही देखो मुगल उस समय के जो मुगल जो चित्र थे वो सुलेख, पुस्तक की सजावट, अरबी और उर्दू के पांडुलिपियों के नमूने, और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की जो बात है दोस्तों वो आपको याद रखना है, वो है यहाँ पर हिरण की खाल पर, हिरण की खाल या तवचा, हिरण की खाल या तवचा एक ही बात है, खाल या तवचा पर लिखा गया, खाल या तवचा पर लिखा गया कुरान का एक पृष्ठ, लिखा गया कुरान का एक पृष्ठ इसी पुस्तकालय में, कुरान का एक पृष्ठ जो है वो इसी पुस्तकालय में क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, यानी यह कार्य जो है ये विशिष्ट है और एग्जाम में क्या है ऐसा पूछा जा सकता है, यानी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना जो है वो क्या है भाई, काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ से और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, एक डॉक्टर है SV सोहोनी का प्रश्न भी बन सकता है। SV सोहोनी जो है वो आप ही समझो कि इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में क्या निभाते हैं, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करवाने में भारत सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भी अगर छोटी छोटी बातें यहाँ से एग्जाम में क्या है पूछी जा सकती हैं, जैसे खान बहादुर खुदाबख्श के बारे में पूछा जा सकता है, ये निजाम राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 3 साल वहीं पर काम शुरू किया इन्होंने, इसके बाद में वापिस पटना आ गए और थोड़े से क्या हो गए, बीमार हुए, और बीमार होने के कारण ये क्या करते थे, मतलब सचिव के माध्यम से पुस्तकालय को बढ़ावा देने का कार्य करते थे। मैक्सिमम दोस्तों एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि खान बहादुर खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो सीधा सा उत्तर मिल जाएगा पटना बिहार में स्थित है। दोस्तों टॉपिक तो छोटा सा ही है लेकिन हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसको तैयार करेंगे। दोबारा एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।